शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे पापू ये दोनों एक तस्वीर में, इसका मतलब ये है कि इस घर का खाला ठीक, इस घर का खाला भी काम ही। ये फोटो में कौन है? ये वही आदमी है जिसने उस बच्ची को गोद लिया था। बच्ची मैं हूँ, इसका मतलब हमारे असली पिता आप हैं। तुम हमारी छोटी बेटी हो। माँ को किसी भी हालत में बच्चे को जन्म देना था, पिता को तो पता नहीं था। जब मैंने पूछा तो वो रो दी कि शायद एक दिन वो बाप अपनी बच्ची को ढूंढता हुआ आएगा। जैना, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्या? इसका ख्याल रखना। उर्वशी के पापा, सब ठीक है ना? हाँ, उस प्रॉपर्टी के बारे में गहना को कुछ जानकारी मिली थी, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो वंश जी जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, उन्हें रोको। वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं, उन्हें एक दो दिन रुकने के लिए मनाओ। ठीक है। ये हमारी जिंदगी की सच्चाई, आधी अधूरी, टूटी फूटी, क्या गजब डालती है आप महादेव।
हमें कौन से पापों की सजा दे रहे हैं आपकी कि आप हमसे हमारा सब कुछ बस छीनते ही जा रहे हैं। हमारी किस्मत में चीजें लिखकर अगर आपको उसे मिटाना ही था तो लिखा ही क्यों? पहले आपने आपने हमारी अम्मा, फिर हमारे बापू और फिर हमारा बचपन का प्यार, हमारा गौरव जो इस शहर में आ गया और अब हमारा कुछ बचा ही नहीं। एक झटके में आपने हमारी जिंदगी खत्म कर दी। हमने आपसे एक शब्द नहीं बोला। यहाँ आकर आपने हमारे गौरव की शादी हमारे नजरों के सामने किसी और से हो गई, तब भी हमने आपको कुछ नहीं बोला। आज तो आपने हमसे हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ छीन लिया। एक झटके में आपने हमारी पूरी जिंदगी झूठ कर दी। आज हमें पता चला कि बचपन से हम जैसे अम्मा बापू कहा करते थे, वो असलियत में हमारे अम्मा बापू है ही नहीं। आज तक जो हमारे पिता थे हम उन्हें जानते ही नहीं थे। वो तो बस इस घर में या मालिक बनकर रहे, लेकिन आज हमारे रिश्ते बदल गए हैं। तभी हम ना उनसे और ना किसी और से कुछ कह भी नहीं सकते। ना उन्हें गले लगा कर रो सकते हैं, ना कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये कैसा इंसाफ है आपका महादेव? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? आप बताइए हमने क्या ऐसा गुनाह किया है कि हमें एक साधारण जिंदगी नसीब नहीं हो रही? हर पल हर मोड़ पर आप हमें बस कसौटी देते रह गए। क्यों महादेव, क्यों बताइए हमें क्यों? इसका मतलब ये है कि इस घर का खाला भी काम ही। तुम ये राज किसी को भी नहीं बता सकती। गहना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? गहना, क्या हो गया बेटा? तुम इतनी खोई खोई सी हो आज। आज सुबह से ये बर्ताव कर रही हो तुम, क्या बात है? तुम ये राज किसी को भी नहीं बता सकती, सुधा को भी नहीं, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। साहब जी ने भले ही किसी को बताने से मना किया है, लेकिन हक है इनका सच जानने का। बोलो। माँ जी, ये सब क्या चल रहा है माँ? और क्या है ये काला टीका? घर में क्या बकवास चल रहा है? मेरी कोई बहन है? तुम हमारी झूठी बेटी हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर घर में काला टीका की बातें क्यों उठ रही हैं? पापा का कहीं कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं? हम अपने पति के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। तुम्हारे पापा कैसे भी हो, हमें उन्होंने धोखा नहीं दिया है, इसलिए हम उनको छोड़कर नहीं गए। आप सही कह रही हैं माँ, इस घर की औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, पर अपने पति को
किसी और के साथ नहीं देख सकती। मुझे माफ करना बेटा, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई, पर क्या करें, सुहागने सब कुछ सह सकती है पर अपनी पति की बेवफाई नहीं। जिस दिन हमें पता चलेगा कि तुम्हारे साहब ने हमें धोखा दिया है, उस दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे। महादेव, ये कैसी कश्मकश में डाल दिया है हम, कैसे बोले हम कि साहब जी के सबसे बड़े धोखे का सबूत हम खुद हैं। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।